आगे ब्रांच का स्टूडेंट और पीछे ब्रांच का स्टूडेंट में क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूँ। आगे ब्रांच वाला स्टूडेंट पहले के मास्टर बनता है, नौकरी करता है, बड़े से बड़े नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन पीछे ब्रांच वाला स्टूडेंट जो होता है वो हर हमेशा देश का सेवा करता है। इसलिए आगे न बैठकर पीछे बैठे, क्योंकि जो मजा देश का सेवा करने में है वो किसी और चीज में नहीं है। वही पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट जिसे हम इंडियन आर्मी कहते हैं, अगर वो नहीं तो हम नहीं, क्या फायदा ऐसा नौकरी ढूंढ के जो कि हम अपने देश का सेवा ही नहीं कर पाए। देश के लिए मरो, देश के लिए जियो। पैसे के लिए तो सब कोई जीता ही है, पर देश के लिए जीने में जो मजा है ना, क्या बताऊं दोस्तों। इसलिए मैं आपसे ही कहूँगा, कभी ये फर्क नहीं करना कि पीछे ब्रांच में जो बैठा है वो मूर्ख है, उसे पढ़ना नहीं आता है इसलिए वो पीछे बैठता है डर से। नहीं, उसने बचपन से सोच बना लेता है मुझे देश के लिए कुछ करना है, और वही वो करता है। और जो आगे बैठता है वो हर हमेशा पैसे में ध्यान रखता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अपने लिए करना है लेकिन देश के लिए नहीं करना है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने लिए करो, मैं ये नहीं कहता हूँ अपने लिए नहीं करो, पर देश के लिए भी कुछ करो। देश के लिए जब तक कुछ नहीं करोगे तो अपने लिए करके भी क्या किए, कोई काम का नहीं है। जब देश ही नहीं तो फिर तुम कहाँ से, इसलिए देश के लिए करो। और हाँ, अगर यह बात आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।